बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उन क्वेश्चंस के पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वीडियो इंडिपेंडेंट हर टॉपिक पर डिफरेंट है, वो देख सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस का होगा। 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन कैसे होंगे? 30 क्वेश्चन की डिवीजन जो सिलेबस में है वो है एजुकेशन पर, लगभग 3-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, करंट इवेंट्स, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन ये कंपल्सरी ही हो चुका है कि उसको पॉलिसी में से एक या दो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। हु इज हु, करंट किस पोजीशन पर कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां हिंदी में है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक या दो एब्रिवेशन फुल फॉर्म पूछी जाती है। यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो यहां इसका आंसर है, पहले आप कोशिश कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैच कीजिए बाद में कि आपका आंसर सही है। अगर तुक्का लगाना है तो टेस्टिंग वर्ड आपकी हेल्प कर सकता है, दैट इज वाई सी इज राइट आंसर। हाँ, CBSE हेल्प कर सकती है, लेकिन बेसिकली जो हायर लेवल पर एजुकेशन में एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा चुकी है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो CTET जहाँ TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर वो स्टेट या सेंटर का कंबाइन हो जाता है, जहाँ 4 लेवल का डिफरेंट होता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया, तो NTA ही उसको कंडक्ट करेगी। विच इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया बाय एनरोलमेंट? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, और नेशनल है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज एनरोलमेंट नेशनल यूनिवर्सिटी की, ओपन यूनिवर्सिटी की होगी। कब एस्टेब्लिश हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मल उस पर डिफरेंट करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर ऑफ 2001 में, 5 में, 6 में, 9 में। 9 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था ना, RTE एक्ट 2009। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, 2010 में। यहाँ नेशनल नॉलेज कमीशन है तो आंसर है 2005 में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इधर भी साथ में हिंदी में कर रहे हैं। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो जब ये राधा कृष्ण कमीशन लिखते हैं उसका दूसरा नाम, क्योंकि टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, है ना, तो ये पूछा जा सकता है कि इस दिन को ही क्यों मनाया जाता है। तो उसका उत्तर है राधा कृष्णन जी का बर्थडे था। तो ये एक ग्रेट टीचर हैं, तो हायर एजुकेशन में ये टीच करते थे, दैट इज वाई इसको ऐसे एसोसिएट कर लीजिए कि हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन के कमीशन के ये चेयरपर्सन थे। तो वो कब बैठा था नॉर्मली इनके साथ, तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ये चेंज भी हो सकता है, जब तक क्वेश्चन बनता है तब तक भी ये चेंज हो सकता है, लेकिन कई बार पिछली ऑप्शन ही बीच होती है, जो नए चेयरपर्सन है वो ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, DP सिंह है, वेद प्रकाश जी है, सुखदेव पराठ है, प्रोफेसर M जगदीश कुमार है। तो प्रोफेसर शब्द ज्यादा करीब है, जगदीश कुमार। याद रखने का तरीका रखना है, ज की ध्वनि को मैंने यूनिवर्सिटी कह दिया, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, य लेकिन जोड़ के साथ में थोड़ा सा याद रख लिया, दो बार उचारा और याद हो गया। हु मिंट द क्वाइंस इन इंडिया? इजी क्वेश्चन है, हिंदी में है, भारत में सिक्के कौन चलाता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो राइट आंसर इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, मोस्टली लगाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। असल में यहां पर क्वाइंस पूछा गया है, तो क्वाइंस को जो बनाना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, लेकिन जो नोट छापने हैं वो आरबीआई का काम है, ये डिफरेंस है। भारत में करेंसी नोटों की छपाई का काम आरबीआई के पास है, जबकि एक रुपए के नोट की छपाई और सिक्कों की ढलाई का सारा काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज नोट। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, फिक्स्ड फिडेलिटी सिस्टम, मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम, मैक्सिमम एफिनिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सिस्टम। गेस व्हाट इज राइट आंसर। एक एसोसिएशन मैं दे देता हूं, मैं रिजर्व बैंक से आप रिजर्वेशन को जोड़ लीजिए। अब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सिस्टम है, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है मिनिमम, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली नोट इशू किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, कौन सा नहीं है? रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, येलो इज नॉट प्राइमरी कलर। ध्यान से स्टेम को पढ़ना है, उसको मेन जो वर्ड या फ्रेज है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, उस पर फिंगर जरूर रखिए या उसको सर्कल कीजिए कि आपने उस पर सोचना है, क्योंकि जो पेपर सेटर हैं वो ये चलाकी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये इनको यूज करते हैं कि आप जल्दी से पढ़कर गलत आंसर की ओर चले जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल और मौसम के पैटर्न का अध्ययन करता है? एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, बायोलॉजी। तो पहला आंसर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आप समझने के लिए अगर दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें तो वेरी इजी हो जाता है। खगोल, भू, मौसम, ये मौसम मैच कर गया, यहां भी मौसम है, यहां भी मौसम है, तो ऐसे कम से कम 5-6% क्वेश्चन जो है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज से अपनी भाषा में, पंजाबी, हिंदी, जो भी दूसरी लैंग्वेज है उसमें आते हो तो वो आंसर बीच में ही पड़ा होता है, इसका फायदा आपने उठाना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? रिन्यूएबल या नवीनीकरण को इतना सा बस याद रखना है, क्राइटेरिया अप्लाई करना है, अगर कोई और ऑप्शन आते हो तो उसको अप्लाई कर देना है। जो एनर्जी हमेशा रहेगी, नेचुरल गैस हमेशा नहीं रहेगी, कोल नहीं हम बना सकते, न्यूक्लियर पावर नहीं, सोलर, सूरज, सन हमेशा रहेगा, हमेशा से संबंध है, बहुत लंबी जिंदगी तक इसको यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर सोलर पावर है, न्यूक्लियर पावर आप सोचते हो लेकिन नहीं, वो गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? देखिए, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा। अच्छा, इससे और क्वेश्चन आपने करने हैं, व्हाइट ब्लड सेल की आई उठाइए, इम्यून लिख लीजिए, है ना, जो इम्यून पावर है, इन्फेक्शन से बाहर ली, जो ये हमारे लिए एक योद्धा का काम करते हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन आती है उनके लिए फाइट करते हैं, व्हाइट। प्लेटलेट्स, जब डेंगू आता है प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो ये ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं। अगर आपने सुना होगा जो डेंगू में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, तो प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं तो वो जो ब्लड को गाढ़ा करते हैं, क्लॉट्स बनाते हैं, वो नहीं बना पाते और ब्लड लीकेज शुरू हो सकती है। तो इनका काम है ब्लड को, जैसे जख्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तब रोकना, ब्लीडिंग को रोकना इनका काम है। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट के बॉडी में कौन है, ना, जो रेड ब्लड सेल है। राइट आंसर इज, विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स एंड बोन्स। ढूंढिए कौन सा विटामिन ही है। डी हमें पता है, सन के साथ जोड़ते हैं ना, सनशाइन विटामिन भी इसको कहते हैं। अभी राइट आंसर यहां पर है
ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, पानी को नहीं है, वाष्पीकरण जो है ना, जो तरल को है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? सब्लिमेशन, द्रवपातन। याद रखना है सॉलिड से गैस है, सॉलिड से एस, गैस से भी एस, ऐसे जुड़ सकता है। सिक्स्थ में से कौन सा विद्युत धारा की एक इकाई है? वोल्ट, एम्पियर, वाट। अब आप इनमें कंफ्यूज हो गए, इसको तो जल्दी डिलीट कर दोगे, लेकिन वोल्ट, एम्पायर, वाट, राइट आंसर इज एम्पायर, सी इज राइट आंसर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। What type of cities were Harappa and Mohenjo-daro? Religious city, unplanned city, planned cities, merchant cities. तो ये हमने जब 6वीं, 7वीं, 8वीं पढ़ा है तो बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ी प्लान थी उनकी, सड़कें ऐसे थी, उन्होंने पानी का निकास ऐसे बना रखा था, है ना। तो इतने को याद रखना है, राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर, मौर्य एम्पायर, मराठा एम्पायर, कृष्णा एम्पायर। तो हमने ज्यादा किसके बारे में सुन रखा है? ज्यादा हमने मौर्य और मुगल के बारे में, लेकिन ग्रेट अशोका ऐसे कोई सीरियल था, शायद फिल्म थी, है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा वो देखा था, इसका डिस्कशन आती थी। मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर 250 ईसा पूर्व तक 50 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। पहाड़ों की बात लगती है, पंजाब को यहाँ आप डिलीट कर सकते हैं। राइट आंसर एक्चुअली है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज इन इलेक्शन कंपेन्स इन इंडिया टू रीच द लार्ज नंबर ऑफ वोटर? अब आपको थोड़ा गैस लगाना होगा। रेडियो का प्रयोग करते हैं, टेलीविजन में एड आती हैं, प्रिंट मीडिया से पहुंचते हैं, लेकिन इजीली आप बेडरूम तक कैसे पहुंच सकते हो, पर्सनल तक कैसे पहुंच सकते हो मोबाइल से? तो सोशल मीडिया लार्ज नंबर ऑफ वोटर तक पहुंचने का तरीका बन चुका है। भारत में प्रचार अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ निर्देश की पालना करनी आवश्यक है। दिशा निर्देशों के इन सेट को क्या कहा जाता है? आदर्श आचार संहिता, अभियान आचार संहिता, चुनाव अभियान प्रोटोकॉल, मतदाता आचरण दिशा निर्देश। तो बार बार जो शब्द सुने हैं हमने कि ये कहते हैं कि कोड लग गया सिर्फ, है ना, ऐसे याद रखते हैं कोड, लेकिन कोड यहाँ दो जगह आ रहा है। दूसरा, हम हिंदी में जब समाचार सुनते हैं तो आचार संहिता शब्द आ रहा है, यहाँ दो बार है, इट मींस इन दोनों को आप डिलीट कर सकते हो। तो राइट आंसर ही आदर्श आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी का। टका किस देश की मुद्रा है? भारत, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील। भारत को वैसे उड़ा दीजिए, मेरे ख्याल में टका शब्द सबसे जो करीबी है इनको उड़ा सकते हैं, अगर डिलीट करें इनको उड़ा सकते हैं, अर्जेंटीना और इसमें से देख सकते हैं, लेकिन टका शब्द यार तेनू टके दी अकल नहीं है, असी बोलते हैं इट मीन्स साढ़े देश दे, हमारे देश के करीब होगा, तो ये बांग्लादेश हमारे देश के करीब है, दैट इज वाई उसके बेस पर मैं इसको राइट आंसर ऐसे सोच के लगा रहा हूं। विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अबुल कलाम? एपीजे अबुल कलाम जी की आत्मकथा कौन सी है? माई ट्रुथ, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, नन ऑफ दीज। विंग्स कैसे रखना है? उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन मतलब उड़ रहे हैं, विंग्स, है ना, तो उसके साथ आप जोड़ सकते हो अगर याद नहीं रहती तो। पंजाबी, कौन सी पंजाबी लेखक अपने प्रसिद्ध कृति मड़ी दा दीवा के लिए जाना जाता है? सुरजीत पात्र, सुरजीत पात्र कवि थे, ये नावल है। शिव कुमार बटालवी कवि थे, ये नावल है। गुलजार सिंह संधु नहीं, गुरदयाल सिंह का नाम नावलिस्ट में है, तो राइट आंसर गुरदयाल सिंह है। कई बार ऑप्शन इतने वीक होते हैं कि आप राइट आंसर तक लगभग कम नॉलेज से या जीरो नॉलेज से भी पहुंच सकते हो, लेकिन रिलेटेड नॉलेज कोई ना कोई जरूर चाहिए। इंडियन एपिक महाभारत इज रिटन बाय? रामायण से तुलना कर सकते हैं कि रामायण किन किन ने लिखी है, तो यहां पर वेद व्यास राइट आंसर
फेमस अजंता एंड यहाँ पर प्रसिद्ध अजंता एंड अलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में नहीं है, पंजाब तो ऑप्शन ही नहीं भी। अच्छा, तमिलनाडु में नहीं, ऐसा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में नहीं, जचता नहीं है। राजस्थान में है ना, अगर पता है नजदीक। महाराष्ट्र राइट आंसर। द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एट द टोक्यो ओलंपिक 2020 जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हरदीक सिंह, हरमनप्रीत सिंह। रखना है हॉकी टीम म से है, लेकिन म से दो है भाई, हमारे मन की प्रीत है। ऐसे कुछ बोल देना है आपका मन याद रखता है। विच स्टेट एमर्ज एज चैंपियन इन इनऑग्रल एडिशन, इसका मतलब समझ लीजिए कि 2018 में KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में ही शुरू हुई थी। देखिए तीन चार क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं। 2018 में शुरू हुई क्योंकि यहाँ लिखा इनऑग्रल फर्स्ट है ना, के उद्घाटन संस्करण में जो पहली बार मतलब हुआ ये गेम्स हुई, उनमें से कौन सा राज्य चैंपियन बन के उभरा? दिल्ली बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, दो ही नाम बार बार आ रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र। पहली बार हरियाणा आया था, उसके बाद महाराष्ट्र जो है ये लगभग कभी हरियाणा ले जाता है, कभी महाराष्ट्र ले जाता है। अगर टॉप का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से आपने चूज करना है राइट आंसर। विच कैपिटल इज नोन एज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, किस राजधानी को भारत की बाघ राजधानी के रूप में माना जाता है? याद कैसे रखा? बाघ भी एनिमल है, ये यहां पर क्लिक कर लेते हैं ऐसे, बाघ और नाग दोनों एनिमल है, बाकी कोई एनिमल नहीं अभी, इसलिए याद रखा। राइट आंसर इज नागपुर। चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। आसवादिवु सिवन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर जी राज गोपाल। तो ये नाम नहीं बोलना, रंग दे बसंती, कस्तूरी नंदन, इनका नाम बार बार आएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का काम भी इनकी चेयरमैनशिप में ही हो रहा है। तो वो NCF, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी पूछा जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना किसकी जिम्मेवारी होती है? NCERT। ओके, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2020 की पॉलिसी है उसी के बेस पर नेचुरली ये बन रहा है, और उसी के फीचर आपको इसमें मिलेंगे, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली? वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कौन सा सिर्फ सेंटर नहीं लगाती, स्टेट लगाती है? कैसे याद रखा? स्टेट तो जहां अपना अपना नाच नाच रही है, हर स्टेट अपना अपना नाच नाच रही है, तो नाच नाचना क्या है? एंटरटेनमेंट है, याद रह गया। दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में भी साथ में देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC पर NEP 2020? एकेडमिक बैंक कोर्सेज, एक्रीडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल, असेसमेंट एंड बैच मार्किंग सेल, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो ABC को नहीं भूलना, क्योंकि आपके क्रेडिट ट्रांसफर जो होने हैं वो अब इसी सिस्टम से होने हैं। ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बन जाना है जिस पर आप कोई भी क्लासेस लगाते हैं, क्रेडिट आवर आपके बनते हैं, वहाँ पर आपके क्रेडिट आवर होते हैं, और वो ट्रांसफ़र होने की सुविधा आपको नेशन वाइड मिल जाएगी किसी कोर्स में ज्वाइन करना है। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के, ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के, टीचिंग पोटेंशियल के, मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।